हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई, राम राम आप सभी को। और मेरी ही तरफ से है, आज हनी अभी स्कूल आज जल्दी जा चुका है, उससे आपको थोड़ी देर में मिलवाएंगे क्योंकि आज उसे जल्दी छोड़ के आना था। आज उसके ना स्कूल में कोई सेमिनार है जो बच्चों के लिए मतलब गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। वैसे मुझे लगा कि काफ़ी जल्दी हो गया उसके लिए, वो तो अभी प्ले क्लास में ही है, बट पूरे स्कूल का तो उसकी भी टाइमिंग आज थोड़ी जल्दी की थी और सेमिनार सुबह है तो उनका सेमिनार लगेगा, तो इसलिए आज उसको जल्दी छोड़ के आए हैं। तो आपसे वो मिलेगा दोपहर को। मैं अभी अभी हम छोड़ के बस घर पहुँचे, अभी नहा दूँगी। मैं बना रही हूँ चाय, हनी के पापा को चाय पीनी है और मैं अपना दूध पीऊँगी, बाकी काम अभी बाद में देखेंगे चाय वाय पी के। तो सोचा सबसे पहले आप सभी को राम राम कर दूँ। और अगर अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। क्या है ये? हाँ, मेरी वॉच है। वॉच है, चलो सबको हेलो बोलो। हेलो, राम राम करो। हेलो सबको, हेलो सबको। सिनेमैटिक मोड ऑन है, आप ब्लर दिख रहे हो, अब साफ दिख रहे हो। राम राम कर दो पापा, बेटा सुबह से अब दिखे। चाय पिलो, तड़के की। तड़के की दोपहर होली, 12 बज लिए, तड़के हुई है। हनी जल गया ना हाथ। सा राम राम बोलो सभी को। नाम नाम कहाँ गए थे आप? आज मैं स्कूल जा नहीं रहे, मार्केट आराम कर ले। आराम आज आराम नहीं करना। देखो हाँ, क्या उड़ने वाला जहाज? जहाज उड़ने वाला जहाज, उड़ने वाला जहाज। आज भाई मधु दीदी और भाई साहब की एनिवर्सरी है तो जाके कुछ ले आओ ना, बस जा रहे आने से पहले उनके, वरना वो शाम को आने से पहले सारा कर लेंगे, है ना? ठीक है। क्या लेके आओगे? केक और डेकोरेशन का सामान। ठीक है, सरप्राइज देंगे आज उनको हम। ठीक है, क्या आनी? आज आज बोधू की और मनोज अंकल की एनिवर्सरी है, आज केक काटेंगे। केक का? यहीं पे, हाँ घर पे, हाँ घर पे काटेंगे। ठीक है, पापा को बोल दो जल्दी से के जाओ लेके आओ सामान सारा। ओके जा रहा हूँ बेटू। क्या खोल रहे हो नहीं आप? ये क्या खोल रहे हो? और आपको स्कूल में क्या मिला आज? लड्डू? नहीं, ये स्कूल से मिला है। ऐसे बोल पापा, स्कूल से लड्डू मिलते हैं। क्या मिला आपको स्कूल में आज? ये क्या सर्टिफिकेट मिला? सेफ हैंड एंड सेफ टच। आज सेमिनार था ना इसका, तो उसका। ओह गॉड, हनी क्या सिखाया मैम ने आपको? ये तो प्ले क्लास है, तो इसको इतना बच्चे को कहां पता होगा। मैं वही इसका होमवर्क चेक कर रही थी अभी तो। अच्छा देख इसकी कितनी मशक्कत कर रहा है ये लड़का, कितनी मशक्कत कर रहा है। क्यों क्यों, क्या है इसमें? फाड़ दी इसने थैली। थैली फाड़ दी, खुली नहीं तो, है ना? नहीं, गुड। खोलो अब इसको, ये आप में तो बहुत ताकत है। नहीं हनी स्ट्रांग बॉय है, है ना? नहीं कैसे दिखाना, कैसे स्ट्रॉन्ग बॉय हो? नहीं आप अपनी बॉडी दिखाओ, चलो अपनी बॉडी दिखाओ। गुड्डू दीदी देख रही है हनी, ऐसे करो। दीदी कैसे करती थी हनी ऐसे बॉडी देख के? दीदी कैसे करती है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो खोलो, हनी को याद है भाई। खोलो, चलो जल्दी खोलो। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। वेलकम बेटू, आज क्या है? हैप्पी बर्थडे। आज किसका बर्थडे है? बोधू का। बोधू क्या करवाओगे बोधू के बर्थडे पे? गोली चला देंगे बोधू के बर्थडे पे। तेरे बर्थडे पे गोली चलाएंगे, निको डेरी भी खुलवा देंगे। हाँ क्या कर रहे हो? गुड्डू दीदी देख रही है, गुड्डू दीदी देख रही है, देख लिया आपको अब तो। खुश हो रहा है। किसका हाथ आराम से, आराम से। एनी एनिवर्सरी बोलो, हैप्पी एनिवर्सरी। वो बोलना नहीं आएगा मुझे तो, इसलिए मैंने इसको सुबह यही बोला था, मैं आज बर्थडे ही है, तू बर्थडे ही मना। अच्छा है ना हनी केक?
वो रुको रुको हां हां रुको 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 अभी ट्रे कटिंग करेंगे ना तब खाना कटिंग हां कटिंग मैं चाकू दे दो चाकू रुको 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 वेट करो अभी बेटो अभी नहीं या और दीदी के लिए आया भाई सरप्राइज दारू वड़ा से केक आया ये है ना ये आया तो यहीं से है वहां से भिजवाया हां तो फिर भी इतनी दूर से उन्होंने ऑर्डर करके फोटो ले लेंगे एक बार यहां ऑर्डर कैसे किया उन्होंने फोन नंबर लेके पंकज के पास फोन फान करके इधर एफर्ट्स देखो भाई बंदा के नहीं गंदा है वो 23 साल हो गए साथ में अब देखना ये डरे भी इससे देख लेना इसको ग्लो करेंगे ना दो माची से लाई इकट्ठी जलाऊंगे तब होगा काम कर दे बेटा इकट्ठे हनी आओ दे वो भाग गया जाओ ना केक काटो बोधू के साथ जाओ बोधू के पास है नाइफ जाओ गुड्डू दीदी भी देख रही है आपको गुड्डू दीदी को हेलो करो नहीं डरना नहीं है देखना अभी कैंडल है बच्चे ये बस रुक जा भाग गया क्लैपिंग करो भाई हैप्पी एनिवर्सरी ओए ओए ये क्या था गिर गया हनी वो बैग पीछे होते होते चेयर पे गिर गया बस खत्म और एक दो साल बाद ग्रैंड सेलिब्रेशन सिल्वर जुबली अब इससे पहले तैयारी शुरू yes. हमारी मेरी तो होगी दीदी सही मैं तो प्लान करने लगी आपकी ड्रेस भी और अपनी ड्रेस भी ठीक है हाँ हम चाकू आपकी तो सबसे स्पेशल होगी पर हमारी भी इधर जाओ अंकल के वहां जाओ 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 ओ तेरी ऐसे बोलो क्लैपिंग करो भाई दोनों हैप्पी एनिवर्सरी मुबारक हो जिंदगी के 23 साल दोनों वो भी काटो वेरी गुड अब करो क्लैपिंग वेरी गुड हनी अब आपको खाना है पहले आप खिलाओ ना अंकल को आंटी को खिलाओ ना रुको रुको लो नहीं ये खा लो अब ये खा लो ये ले लो चॉकलेट लग गया दूसरा देखो रुको रुको इतना लड़ा करता है मेरी गेला आज मैं स्कूल में हाँ आज तो इसने दीदी बोली आज बुद्धू का हैप्पी बर्थडे है पांच को चिपट गया मेरा मतलब मैं बोली विश कर दे विश तो किया नहीं गले मतलब नू जाकर नू गले लग गया बेचारे का अपना केक मिल लगा सुशी आई इसको करवा देना जा और उसकी लड़ाई का अच्छा आप सुनो पहले आप दोनों एक बात बताओ 23 साल हो गए साथ में है ना आप मेरे को भाई साहब की एक ऐसी बात बताओ जो आपको सबसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है 23 सालों में इनकी हाँ इनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि मेरे प्रति बहुत ऑनेस्ट है लॉयल है बहुत ज्यादा बहुत लॉयल बहुत ये तो भी केयरिंग हस्बैंड है हाँ केयरिंग का तो पूछो मत इसमें तो 100 out of 100 मैंने सही में भाई साहब मैं वो बता रही हूँ मैंने आज तक नहीं देखा इतना केयरिंग हस्बैंड सही में केयरिंग हस्बैंड वही सुबह और भाई साहब अब आप बताओ एक बहुत अच्छी बात दीदी की जो आपको आज तक बहुत पसंद आई हो हमेशा रूठती है कभी मनाती नहीं मेरे को मैं बताता हूँ ये तो है ही बीबियों की बात आगे नहीं दीदी सही बात है यार वो तो केयरिंग हस्बैंड में आ गया सही बात है क्वालिटी है हाँ और रूठे भी बहुत जल्दी हाँ हाँ और एक मुझे जो लगी डिमांडिंग नहीं है बिल्कुल भी मुझे तो लगा है ना बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं और ये बहुत अच्छी बात होती है एक लेडी की है ना किसी भी उसमें करना कोई इशू नहीं हाँ करो करना है ठीक है अब खिला रहे फेस है ना फेस पे तो लगाया ही नहीं आपने वो तो भाई साहब हर लेडी का होता है वो लगा दिया वो तो हर एक किसी का होता है अच्छा गुड्डू को खिलाओ थोड़ा सा जल्दी वो भी देख रही है खिलाओ खिलाओ जल्दी खिलाओ हनी गुड्डू के नाम का केक खाओ जल्दी गुड्डू दीदी के नाम का उधर उधर देखो हो रहा वो कैमरे में खिला रहा है जल्दी खाओ जाके जाओ जाओ जल्दी खाओ गुड्डू दीदी देख रही है वेरी गुड बाद कैसे साल हो जाएंगे
चार दिन बाद सोलह हो जाएंगे ना, ठीक है चार दिन बाद और बनाऊंगे। हाँ लाइन में सब की एनिवर्सरी आज आपकी दिसंबर है फरवरी है। अरे फिर ना चार दिन बाद इनकी भी थी पांच तारीख की। देखो मम्मू लटकाए बैठे हमें याद आ गए पीछे तीन दिन बाद है। अच्छा हाँ तीन दिन बाद अब मैं क्या अमित का याद आ गया पिछले सोलह साल। हाँ पांच की है दे अमित मैं कब मुंह लटका के बैठ गई याद आ गया पिछले सोलह साल है दीदी। ना इनते मैंने पूछ ली और जो इनते पूछा है ना सुनो जो इनते पूछा है वो आप पूछूंगी ठीक है सरप्राइज अभी नहीं सर दो एक क्वेश्चन है बस। हाँ एक एक अमित भाई साहब पे और एक आप पे ठीक है के इसको भी सरप्राइज ले रहा है ठीक है। हम रचना आंटी और अमित अंकल से मांगना दे इसने अपना केक डेकोरेट कर लिया। अरे ये क्या लग रहा था क्या थी कैसे और ढंग से करके दिखाओ जब मुझे तू ले ले बुड्ढे मैं बैठ जा रहा भाई ला पांच छह तो ना फिर मैं इतना लगता है कि सड़ी बात भाई बुड्ढे हैं खाना पालते तो किसके भाई का बुड्ढे है। आवाज कम करो हनी अभी सेलिब्रेट करके खाना वाना खाया है आज उनकी 23वीं सालगिरह थी शादी की तो हाँ आपको यहाँ आ जाओ मम्मा के पास और 25वीं की तैयारी कर रहे हैं अभी से क्योंकि 25th जो एनिवर्सरी होगी उनकी सिल्वर जुबली उस पर थोड़ा वो बड़ा वो करने का प्लान कर रहे हैं कुछ तो हनी यहाँ पे आ जाओ। हनी एग खा रहा जिसने खाना नहीं खाया पता नहीं क्यों उस टाइम पे इसको नींद आ रही थी नींद ये उसमें हो रहा था इसने दूध पी लिया खाने के टाइम पे तो रोटी इसने खाई नहीं आज तो अब इसके लिए एग बॉईल किए हैं। हनी देखो अरे गिर जाते हो अभी है ना चाकू तो इसने खाना तो खाया नहीं था तो इसके अभी एग बॉईल किए हैं एग खा रहा है ये एग खाने के बाद इसको सुलाऊंगी थोड़ी देर में। सब देख रहे हैं हनी को आपने एग फिनिश किए अपने नहीं करने ये छोड़ दिए ये आज आपने खाना भी नहीं खाया और एग भी फिनिश नहीं किए है ना। हो पॉकेट में गन रखी हुई थी हनी ने। चलो प्यार से सबको गुड नाइट बोलो नाइट इधर देख के गुड नाइट इतने बड़े गन चाकू चाकू भी है चाकू इतने बड़े बाद में ठीक है चलो बाय बोल दो सबको बाय बोलो सबको बाय।